श्रीमान विमल बैनर्जी साहब, विश्वनाथ जी करार और वाइस चांसलर श्री रंगप्पा, बहनों भाइयों और दोस्तों, कुछ ही मिनट पहले राहुल करार ने मुझसे पूछा कि नटवर सिंह जी, जब आपने पहला भाषण दिया तो आप घबराए थे? तो मैंने कहा, मैं नहीं घबराया, सुनने वाले घबराए थे। तो आज तो आप घबराइए मत। अब देखिए, मेरी उम्र हो गई है 85 बरस की, तो मेरे ख्याल में आपकी क्या उम्र है? कितनी? 85। मेरी भी है, ठीक। तो मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। मैंने 31 साल तो सेवा करी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, फॉरेन सर्विस में, और 25 साल पॉलिटिक्स में। तो मुझे दोनों नदी के जो हैं किनारे हैं उन पर काफ़ी हुए अनुभव है और मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। अब जो आपका यहाँ विषय है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो मैं ज़्यादातर हिंदुस्तान के बारे में, जो हमारी डेमोक्रेसी हुई है, क्योंकि मैं फॉरेन सर्विस में आ गया था 1953 में और पॉलिटिक्स में आया 1984 में, क्योंकि मैंने 5 साल काम किया था श्रीमती इंदिरा गांधी के दफ्तर में। तो उन्होंने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ। मैंने कहा, मैं आ जाऊँगा अगर आप कहती हैं तो। अब खैर उनका स्वर्गवास हो गया, पर मुझे पॉलिटिक्स में पैराशूट किया गया। मैं नीचे से नहीं आया था, मेरा लड़का आया है नीचे से, वो MLA है, वो मुझसे अच्छा है पॉलिटिशियन मुझसे। तो इसलिए मैं आपको ज़रा थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। उससे कहा है कि यहाँ 25 मिनट बोलो, तो मैं कहता हूँ साहब 25 मिनट में तो बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं ज़्यादा बोलूँगा। मंजूर है आपको? चलिए, नाउ आई विल से अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इज अ पॉलिटिकल मिरेकल। व्हाट डू आई से दिस? बिकॉज एवरी एलिमेंट गोज अगेंस्ट हैविंग ए डेमोक्रेसी सिस्टम। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन्स, different regions, different dress, different food habits, and we are argumentative Indians, as Amartya Sen said in his book. Yet it works, not because I am in it or politicians are in it. It works because of the inner resources and approval of the Indian people. Another thing, why does it work? You see, we as a people are good at crisis management. In a large and complex country like India, there is, in one part or the other, a crisis going on. So we are able to manage crisis. This is a big, big, big plus. Secondly, here is a country in which at every step you run into contradictions. We are good at reconciling contradictions. There are two main reasons why our democracy, with all its drawbacks, with all its flaws, works. If this democracy defeated Indira Gandhi, that democracy brought her back. I have been in 2 Lok Sabhas and 1 Rajya Sabha. Every 5 years, the people of India can discard a government, bring another one, as happened just now. In the month of May 2014, Mr. Modi came. Now he says that he was selling tea, and today he's Prime Minister of India. Now that's the strength of Indian democracy. He didn't come from a privileged home as I do. He came from the ground, and he has now arrived, and by all accounts, you know, I am 84 years old and I'm not easily impressed. But I went to see him on the 4th of February, before he became Prime Minister. Then I told him that, listen, Modi ji, I have not come to ask you anything. क्योंकि मुझे कोई आपसे मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ बतौर एक भारतवर्ष के नागरिक की वजह से आपके पास आया हूँ
और एक बात कहने आया हूँ कि आपने पिछले 6 महीने में 4-5 भाषण दिए हर रोज, मगर आपने विदेश नीति का जिक्र नहीं किया। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री होंगे, और मुझे आशा है कि आप होंगे, तो फिर आप अल्टीमेटली फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। क्योंकि मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं पॉलिसी बनाता था, पर उसकी अनुमति प्राइम मिनिस्टर देता है। तो मैंने कहे, पहले तो आपसे ये अर्ज करता हूँ मैं कि आप, उन्होंने कहा कहाँ से शुरू करूँ मैं, तो मैंने कहा आप शुरुआत करिए हमारे पड़ोसी देशों से। क्योंकि पिछले साल से हमारे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, भूटान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हो, से हमने तवज्जो इतनी नहीं दी है। तो 26 मई को जब वो हुआ, उन्होंने शपथ ली, तो उन्होंने बुलाया। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, मैं उनके रह गई जहन में। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि देखिए, हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत पेचीदा है। अब गांधीनगर से भारतवर्ष का एक नक्शा नजर आता है आपको, दिल्ली से दूसरा, कलकत्ते से तीसरा, चेन्नई से चौथा और पुणे से पांचवा। अब इसको ले जाइए आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, दिल्ली से दुनिया लगती है एक तरह की, वॉशिंगटन से दूसरी, मॉस्को तीसरी, पीकिंग चौथी, लंदन हिंदुस्तान। तो इनको आप कैसे रिकनसाइल करेंगे? तो ये मैंने कहे, जब लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ी आसान बात है, डिप्लोमेसी इतनी आसान नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि साहब डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में क्या अंतर है? तो मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी है आप क्या करते हैं, डिप्लोमेसी है उसको कैसे करते हैं। अगर आपके डिप्लोमेट ख़राब हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी ख़राब हो तो आपके डिप्लोमेट्स क्या करेंगे। फिर मैंने उनसे कहा, देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड शुरू होता है नॉर्थ अफ्रीका मोरक्को से और जाता है इंडोनेशिया तक, बीच में सिर्फ 4-5 मुल्क हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, और ये 55 उनके लोग हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो कोई भी जो रेजोल्यूशन आता है जनरल असेंबली में, उनके बगैर पास नहीं हो सकता, तो इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। अब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? नाउ वी नो द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन अमेरिका इज वेल एस्टैब्लिश्ड, इन द यूनाइटेड किंगडम आई मीन देयर डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म द अदर गोज बैक अबाउट 800 ईयर्स, ऑल्दो वी गेव इन 1952 vote to every Indian above the age of 21, now it's 18. It didn't happen in England. They didn't give vote to women till 1929. We gave them right away after independence. Gandhiji made Sarojini Naidu president of the Indian National Congress in 1925, when women were not to be seen anywhere. I come from Rajasthan. Still, the literacy level of women in Pakistan, in India, in Rajasthan, is below 50%. Now, democracy also needs a certain amount of knowledge, certain amount of information, and certain amount of education, because the world is so complex and it moves so fast that unless you are up to it, unless you can meet the challenges of the future, you're going to be left behind. Now, there's an area in which the Indian democracy is right in the front. That's IT, information technology. And now also I'm told the people doing MBAs. I tell all my friends who are doing MBA and who are IT, don't forget the history of your country. Don't forget there are 300 million people live under the poverty line. So every one of you who is here in this institute or wherever you come from, you are a privileged young man, young woman. And don't forget your obligations to the less fortunate compatriots of yours. That's essential for you. Another thing, here are 6 religions: Hindu, Muslim, Isai, Sikh, Jain, Parsi, Yahudi. Itne hone ke bawajood koi danga to nahi hota. Ek aadha ho jata hai danga, magar shanti se rehte hain. और जो देख रहे हैं आज पेरिस में हुआ है या पेशावर में हुआ था, ये यहाँ नहीं हुआ।
थोड़े बहुत हो जाते हैं। हाँ, सन 47 जरूर हुए जब हमारा बंटवारा हुआ दोनों देशों का, बट बाय एंड लार्ज इट्स एक्सेप्टेड। हाँ तो अच्छा, हिंदी बोलूँ ज़्यादा कि अंग्रेजी में? हाँ जरा जो बताइए किस में बोलूँ। हाँ हाँ चलिए, तो हिंदी में सुन लीजिए आप। क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? बंटवारा। हाँ, जब आप मेरी उम्र पहुंच जाएंगे तो आप ही भूलने लगेंगे, पर बहुत समय आपको वहां पहुंचने का। देखिए हमारी डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है। सन 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 51 मेंबर थे। भारत मेंबर इसलिए था कि अंग्रेजों ने हमको आज़ादी के पहले लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बना दिया था। आज हैं 193 मेंबर यूनाइटेड नेशंस के। ये सब आए हैं चुनकर वहाँ से। सन 45 में बहुत अफ्रीका में सिर्फ 4 देश थे जो आज़ाद थे, लाइबेरिया, इथियोपिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। आज हैं 57 अफ्रीका के मुल्क, और 50 साल के बाद वहाँ डेमोक्रेसी आई है। नहीं, अब तक तो वहाँ होते थे डिक्टेटरशिप। यूरोप में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे साम्राज्य थे, वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो भी ख़त्म हो गए, और जो कुछ बचे थे दो चार वो वर्ल्ड वॉर दो के बाद ख़त्म हो गए। तो इसलिए डेमोक्रेसी फैल रही है। देखिए रूस, लेनिन ने रूस को रेवोल्यूशन दिया 1917 में, और 1991 में रूस ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन। हिंदुस्तान को धक्का लगा क्योंकि हमारे रिश्ते सोवियत यूनियन से बहुत नज़दीक के थे, पर वहाँ भी एक तरह की डेमोक्रेसी आ गई है। सिर्फ एक दुनिया का बहुत महान देश है चाइना, जहाँ के डेमोक्रेसी नहीं है, मगर जो उनका सिस्टम है वो उनका सिस्टम जारू है, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्नति की है। मैंने अपना विदेश नीति का करियर शुरू किया था चाइना में, 1956 में गया था मैं। तो उन दिनों में पीकिंग था, जैसे कि आज से 55 बरस पहले पूना था, आज है पीकिंग शंघाई न्यूयॉर्क से आगे, लंदन से आगे। अच्छा, फिर दूसरा है अनुशासन है, इधर उधर नहीं हो सकता। अब जिक्र हुआ है हमारे यहाँ करप्शन का, देखिए जितना करप्शन चाइना में है उतना हमारे यहाँ तो है नहीं। ये नहीं कहना कि हम करप्शन अच्छी बात है, ये देखिए करप्शन को आप 100% नहीं निकाल सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं, लोग ईमानदार होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं, इसलिए उसको कम करने की पूरी कोशिश चाहिए। और हमारे सामने मिसाल है मोहनदास करमचंद गांधी की। मुझे पता किसी ने यहाँ गांधी जी को देखा हो? आपने देखा? हाँ, तो हम दो हो गए जिन्होंने देखा। देखिए 9 तारीख को निकल महात्मा जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, जो वहाँ गए थे 1893 में, और यहाँ आए तो गोपाल कृष्ण गोखले, वो मानते थे गुरु अपना, तो गोपाल कृष्ण ने कहा कि मोहनदास तुम एक साल में पॉलिटिक्स में नहीं आओ, सारा दौरा करो हिंदुस्तान का, क्योंकि तुम 23 बरस बाहर रहे हो, 21 बरस, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मुल्क, और थर्ड क्लास में जाओ। तो गांधी जी पूरे एक साल सारे भर्ष के एक एक कोने में चले गए। अच्छा, गांधी ने डेमोक्रेसी की नींव यहाँ लगाई। अच्छा, फिर ये पूछता हूँ मैं कि भाई 1920 में जब गांधी जी बने कांग्रेस के लीडर, तो बहुत कम टेलीफोन थे, ईमेल तो थी नहीं, मोबाइल फोन नहीं था, हिंदुस्तान में 2500 गाड़ियाँ थी, पोस्ट ऑफिस थे कोई 1100, जेट प्लेन नहीं थे, तो
तो गांधी का मैसेज कैसे पहुंच गया सारे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में? इसलिए कि गांधी जी के पास फेथफुल एजेंट्स थे. कौन थे? सरदार पटेल, सी आर दास, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, जयप्रकाश नारायण. इन्होंने ये खुद अपने आप बड़े लीडर थे और ये कुछ लेने नहीं आए थे. गांधी जी की प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में 5,000 पाउंड थी, आज होंगे वो 1,000 से नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 से ज़्यादा पाउंड. मोतीलाल नेहरू ने बड़ी उनकी प्रैक्टिस थी, छोड़ दी, गांधी जी के पास आ गए. सी आर दास की प्रैक्टिस थी, राजेंद्र बाबू की प्रैक्टिस थी, राजा जी की प्रैक्टिस थी. तो ये लोग कुछ लेने नहीं आए थे, देने के लिए आए थे. और फिर यही हाल हुआ दुनिया में. मैं गया हूँ 144 देशों में अपनी उम्र में. बहुत सारी जगह है जहाँ गांधी जी का स्टैचू है, उनकी जीवनी का लोगों को पता है. और हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो डेमोक्रेटिक लाइन्स पर चला था उससे प्रभावित हुआ है सारा अफ्रीका. मेरे बहुत अफ्रीकन दोस्त थे यूनाइटेड नेशंस में, वो कहते थे भाई आप गए तो गांधी जी थे, नेहरू थे, हमारे तो कोई नहीं था, हम तो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं इनकी. और अंग्रेज हमें पढ़ नहीं देते तो हम छुपके छुपके पढ़ते हैं उन किताबों को. तो ये हमको इस बात का गौरव होना चाहिए. देखिए वो पीछे आप देखिए मुड़कर, वो जो तस्वीर है वहाँ, वो महान देश है हिंदुस्तान के, वहाँ देखिए ज़रा मुड़कर, इन्होंने हमको आज़ादी दिलाई. और डेमोक्रेटिक दिलाई. अब दुनिया कहती है कि भाई हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी एक मिसाल है. अब देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, मैं वहाँ एम्बेसडर रहा था आज को 30 साल पहले. 5 दफ़े तो उनके यहाँ हुकूमत हो गई है फौज की और अभी भी देश डगमगा रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी ने जड़ नहीं लगाई है वहाँ पाकिस्तान के अंदर. अब आप देखिए सऊदी अरेबिया में, तेहरान में, गल्फ स्टेट्स में, इराक में, सीरिया में, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. हुई थी पिछले 3 साल पहले अरब स्प्रिंग, इजिप्ट में बदलाव आया, टूनिशिया में बदलाव आया, मगर सही माने में जो हम समझते हैं डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट, वन वुमन वन वोट, वन पर्सन ऑफ 18 ही कैन एक्सरसाइज वोट इन इंडिया, इट्स ए वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट ऑर्डिनरी. सो वी आर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक मिसाल बन गई है कि भाई अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इस गजब की चलती है, कमियाँ हैं इसमें, दो राय नहीं, आप में मुझ में कमियाँ हैं, समाज में कमियाँ हैं, मगर चलती ज़रूर है. तो मैं आपके सामने ये विचार रखकर ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विश्वनाथ जी का, उनके सुपुत्र का, और आप सब लोग यहाँ आए, इस तादाद में यहाँ बैठे और मुझे आपने सुना, तो मैं आपका बहुत बहुत तहे धन्यवाद करता हूँ.